नमस्कार सैम ऑडियो बुके आपनादेर स्वागतम जानाई। आमी सायन। आमादेर आजकेर गल्प दादा ठाकुर की शापित हवेली। गल्पटी आमी लिखेछी सायन मित्र। गल्प पाठे एआई द्वारा पाठ करानो हयेछे। शुरू होच्छे आमादेर आजकेर गल्प दादा ठाकुर की शापित हवेली। दादा ठाकुर की शैतानी हवेली। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उमस से आरव उसमें नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9:00 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाही, पर उसमें नेटवर्क का नमो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज दी। मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाते हुई उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकेंड हैंड कार ले लो। जवाब में अराव बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी। वो भेड़ियों आवाजें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नजदीक पहुंचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोर बेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन्हें दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और न ही उन दोनों ने कोई आवाज की थी। फिर वह दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रस्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, क्या हम आपके फोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और यह है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूं। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रहे थे कि उनकी नजर दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थीं। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था, सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थीं। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नजर उस दीवार पर पड़ाडेड ही वहां और एक फोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फोने नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहां की फोन लाइन में हमेशा गड्ढबधी रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यही रुक जाइए। मिताली और अराव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फोने लगने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए आरव की नजर दीवार पर गई
और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहां कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहां से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहां से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें चार पैरों की जगह छह पैरों आवाज आ रही थी। अब वह दोनों काफी डर चुके थे, कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। और अब वह दोनों उस भुतहा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाजा पिट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी से फोटो फ्रेम पर पेडी ही, जिसे फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली बिना तस्वीर की देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रहे थे और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिघी बैठ गई और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहां पर एक दूसरे के सांसों की ही आवाज आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीक आ रही थीं और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे। अपना सुन चिलेन दादा ठाकुर की शापित हवेली गल्प पाठे AI द्वारा पाठ करानो हुए छे। लेखाय आमी शायन। গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই রকম আরও গল্প পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে যখনই আমরা কোনো আপডেট দেব সবার আগে আপনাদের কাছে এসে পৌঁছায়। যেমন আপনারা আমাদের অ্যানিমেশন ভিডিওগুলোকে সাপোর্ট করে এসেছেন তার জন্য আমরা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদের। এইভাবেই আমাদের সাথে থাকুন, আমরা আপনাদেরকে নতুন নতুন অ্যানিমেটেড গল্প দেব, নানা রকমের হরর স্টোরিজ, কমেডি স্টোরিজ, নানা রকমের গল্প আমরা আপনাদের কাছে নিয়ে আসব। তাহলে দেখা হবে আগামী সপ্তাহে একটি নতুন গল্প নিয়ে আপনাদের সাথে। ততদিন ভালো থাকবেন, গল্প পড়বেন, গল্প লিখবেন, গল্প শুনবেন, গল্প শোনাবেন। ধন্যবাদ।